मेरा करियर शुरू हुआ है 2002 में। 2002 में करियर प्रारंभ हुआ, उसके बाद 2003 में एक गाना आ गया, समझ लीजिए जैसे तुक्का, भगवान जी कहीं और थे, एड्रेस कहीं और का दे रखा था, वैसा वाला जीवन मेरा रहा। और वो अल्लाह के बंदे एक गाना आ गया और बल्ले बल्ले हो गई। उसके बाद तरण, उसके बाद ये बैंड हमारा बना कैलासा, जिसका मतलब है हेवनली। Congratulate Kailash has been a driving force. All his songs, when I've been judging shows, 90% of the songs of Kailash have sung. Kailash, I wish you a super success with this album, and I'm sure it's going to do very well. God bless you. I think this album, except for the first one, because it was our first album, and for sentimental reasons, I love that album, but I think this is the best album that we've ever come out with, and I hope, you know, the people who hear it think the same, and yeah, happy listening. बड़ा मौलिक संगीत है, अपनी अपनी पहचान लेकर खुद आया हुआ है, कहीं से उठाया हुआ नहीं है, फिल्मों से जुड़ा हुआ नहीं है, मिट्टी की खुशबू है, वेस्टर्नाइज्ड है, साउंड बहुत अच्छा है। कैलाश जी, मैं समझता हूँ कि मतलब मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हुई, क्योंकि उसकी गायकी बहुत ही ओरिजिनल है और बहुत हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई है, और जिस तरीके से उनकी गायकी है उसी तरीके वो इंसान है, एकदम खुल्लम खुल्ले वाले इंसान है। रंगीला इज सच अ वंडरफुल एल्बम, इट्स अ एल्बम विद 11 सॉन्ग्स, और सारे गाने प्यार यानी मोहब्बत जिसका नाम है, हम कितने तरीके से प्यार को समझते हैं और एक्सप्रेस करते हैं, तो वो वाले गाने इसमें हैं सारे, यानी लव के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स समझ लो आप इसमें होंगे, तो हर इंसान जो सुनने वाला है वो अपने एक्सप्रेशन जोड़े, अपनी इमोशनल बातें उसके साथ कनेक्ट जोड़े, तो समझ आएगा कि ये क्या है। इतनी हैरानी की और गहराई की बात हो जाती है कि हमारे ही अंदर ओशन ऑफ लव छुपा होता है, एंड वी डोंट समटाइम्स रियलाइज। सो दिस इज द एल्बम which will make you realize and feel and experience the thing inside you which is called love. Amit ji ka is film, is pure album mein ek gana hai hamare sath, to hamara likha hua hamari dhun hai, halka sa unhone gaya hai, narrate kiya hai, aur gaane ke jo lines hain wo bahut hi motivating hai, bahut encouraging hai, to youth aaj ke daur mein bahut hi provoking, thought provoking santati hai, ye era hai, जब भी आप अच्छी बात कहते हैं तो लोगों पे असर होता है उसका, और शायद ये एक बात थी जिसके लिए मैंने निवेदन किया अमित जी से कि आप प्लीज़, क्योंकि आपका गाना भी हमने रखा है इसमें, तो कृपया आप लॉन्च भी कर दीजिए, और वो मान गए।